Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है वेस्ट बंगाल से डिमांड्स आई हैं दो जिनमें से एक डिमांड को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक डिमांड जो है हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट क्या डिमांड्स हैं वो दो वो ये है कि पहले वो कह रहे हैं कि आप बंगाली को एक क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दीजिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बंगाली क्लासिकल लैंग्वेज क्या घोषित हो सकती है पहली बात ये क्लासिकल लैंग्वेज है ही क्या कौन कौन सी हैं क्लासिकल लैंग्वेज 2016 में आई गेस सोलह या 15 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी लेटेस्ट लैंग्वेज ऐड हुई है क्लासिकल uh, लैंग्वेज के अंदर राइट right? क्या क्राइटेरिया है कौन सी मिनिस्ट्री इसको डिसाइड करती है राइट right? क्या फ़ायदा होता है इससे है ना क्या बेनिफिट्स हैं क्यों मतलब जैसे जब वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑलरेडी है है ना और uh, लाखों लोग ऑलरेडी बंगाली बोल रहे हैं और स्टेट लैंग्वेज भी है आपकी राइट right? स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है राइट right? फिर भी आपको क्लासिकल लैंग्वेज क्यों करना है राइट right. क्या इसके पीछे थॉट हो सकता है क्या ये पॉसिबल है भी तो हम सारी चीज़ें देखेंगे इंक्लूडिंग दी क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज प्लस उसका बेनिफिट क्या है कौन सी मिनिस्ट्री है है ना और बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज क्या घोषित किया जा सकता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या न्यूज में चल रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारा जो है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करें इस पर्टिकुलर वीडियो में बिकॉज दिस इज टू द पॉइंट इफ़ यू वॉन्ट टू इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली और डिस्कशंस होती है इस टॉपिक के ऊपर ताकि आप मेन्स रेडी हो जाओ राइट right? क्योंकि मेन्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो रिसर्ज सवाल नहीं है ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ऑलरेडी आपको कहीं मटीरियल मिल जाएगा आपने पढ़ना है समझना है और आपने अप्लाई कर देना है नहीं ऐसा आपने लिख देना है ऐसा नहीं है आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी वहां जाके नए सिरे से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो आंसर बना के लिखना पड़ता है वहाँ पे तो वो टैलेंट के लिए वो स्किल के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है और उस क्लास के अंदर वो यही है कि अगर हम एक क्लास के अंदर में 10 से 15 टॉपिक्स अगर कवर कर रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उन 10-15 टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कशन करें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें पहले वाली नई अंडरस्टैंडिंग लेके आए अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग लेके आए राइट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या पूछना चाह रहे हैं हम क्वेश्चन पढ़ना सीखें राइट तो ये सारी चीज़ें उस क्लास के अंदर रहती हैं प्लस आपको करंट अफेयर्स और कहीं से करने की जरूरत नहीं होती क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर देख सकते हैं <coughs> आइए बच्चे देखते हैं बंगाली एज क्लासिकल लैंग्वेज तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर अर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड बंगाली एज द क्लासिकल लैंग्वेज है ना और उन्होंने क्या बोला है चीफ मिनिस्टर ने क्या चीज कही है कि इट हैज बीन एस्टैब्लिश बाय अ स्टेट टीम दैट बंगाली हैज़ इट्स ओरिजिन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर अगो राइट वो बोल रहे क्लासिकल लैंग्वेज इसलिए कर दो पच्चीस सौ साल पुरानी इसकी वो है कुछ एविडेंस मिले हैं राइट right? सबसे पहले बच्चे ये देखते हैं हम कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या चीज है आइए

ये आप आराम से गेस कर सकते हो है ना संस्कृत ये आपकी सारी साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं द्रविड़ियन लैंग्वेजेस राइट ये एक उड़िया है जो अलग से तंग करता है और इसी के ऊपर सवाल भी आ गया था 2015-16 में कि लास्ट कौन सी ऐड हुई है राइट तो ये आपको याद होना चाहिए है ना इसमें पैटर्न बना लीजिए देख लीजिए कौन सा ये आपको स्टेट एग्जाम या कहीं पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कुछ पूछ सकते हैं और इवन आपको वो इस ऑर्डर में भी लगाने को बोल सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज लगाई गई है और जनरली उसमें ना पहला और आखिरी ही चेंज करते हैं वो वो बीच वाले वो थोड़ा कम तंग करते हैं पर आप हो सके तो सारे जो हैं आप याद कर सकते हैं आगे चलते हैं बच्चे क्राइटीरिया देखते हैं राइट right? क्राइटीरिया क्या फिक्स किया हुआ है हाई एंटीक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग कम से कम पंद्रह सौ से दो हजार ईयर तभी उन्होंने बोला ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओल्ड हमारे मिले तो बंगाली एक क्लासिकल लैंग्वेज है तो ये क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट वो फिट होते हैं कि उनकी स्टेट एजेंसी ने ये पता किया है पोजेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट लिखी हुई चीजें कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाई जनरेशन चल रहा है जनरेशन अभी तक उसको इस्तेमाल कर रही है यूज कर रही है प्रोपोगेट कर रही है राइट प्रेजेंस ऑफ एन ओरिजिनल टररी ट्रेडिशन नॉट बोर फ्रॉम एनअर स्पीच कम्युनिटी ओरिजिनल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कहानी वहां से उठा ली ट्रांसलेट कर ली और आपका स्क्रिप्ट है तो क्लासिकल नहीं आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए <coughs> <coughs> तो आपकी जो स्क्रिप्ट है जो आपका टेक्स्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ में कुछ करेक्टर्स है Uh, जैसे कांथा एक करेक्टर है वहां पे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऐसे बोलते हैं वो कांथा करेक्टर है नॉर्थ में अगर आप आएंगे तो यहां पे आपको छल्ले के नाम से सुनने को मिलता है है ना जुगनी इस टाइप के करेक्टर ये ओरिजिनल राइटिंग्स हैं सारी राइट right? वैसे ही वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल होना चाहिए नेक्स्ट इज द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बींग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न देयर में ऑल्सो बी ए डिस्कटीन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड द लेटर फॉर्म्स ऑफ दी ऑफ शूट जरूरी नहीं है कि वो अभी तक ऐसे ही चलती हो, हो सकता है कि अब वो नहीं यूज में हो पर क्लासिकल फिर भी डिक्लेयर कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ऐसा नहीं है कि वो यूज में होनी ही चाहिए आज भी और एज इट इज होनी चाहिए वो भी नहीं है बेनिफिट <coughs> क्या है लैंग्वेज इज डिक्लेयर क्लासिकल इट गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अपर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज राइट बिसाइड यूजीसी कैन बी रिक्वेस्ट टू क्रिएट टू बिगन विद एटलीट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर फॉर द क्लासिकल्वेज क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है बच्चे इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लिख लीजिए आप दिस इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द बेनिफिट्स ऑफ डिक्लेयरिंग इट एज अ क्लासिकल क्लासिकल लैंग्वेज इट इज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी ठीक है बच्चे तो ये दो चीजें अपने ध्यान में रखनी क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024